दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम यशवंत यादव है। आप सभी लोग जानते भी हैं, एक आज के एग्जैक्टली 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों के सामने कॉन्फ्रेंस पे बात किया था लाइव आके, और आज फिर दोबारा से लाइव हूँ। आज बहुत सारी चीज़ें आज बात करनी है, बहुत सारे फैक्ट के बारे में, बहुत सारे लोगों को चीज़ें था आज कि कन्फ्यूजन था टीम के लोग के भी, और अदर लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें उछाल रहे थे बातों को लेके कि आखिर डिसीजन जो लिया वो सही था या गलत था, या जो बातें हो रही हैं अभी टीम के बीच में या अदर लोगों से, बहुत सारे लोगों से सुनने का भी मौका मिला कि टॉप लीडर क्या क्या बात कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आज मैंने एक बहुत शानदार, मतलब कुछ चीज़ें नोट्स बनाई हैं। एग्जैक्टली फैक्ट बात जो भी कुछ मैं बात करने वाला हूँ बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन और पूरी एविडेंस और प्रूफ के साथ मैं बात करने वाला हूँ। आज की जो टॉपिक है, जो बात मैं करने वाला हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, 3 टॉपिक पे बात हमें करना है। सबसे पहले बात जो इस 3 महीने के दौरान हमें जो चैलेंजेज आए अपने जीवन में उसके बारे में बात करनी है, और इसी 3 महीने के दौरान जो क्या क्या हुआ। दूसरी बात हमें ये बात करनी है कि बल्क बाइंग जो सिस्टम को लेकर बल्क बाइंग जो कराई गई उससे रिलेटेड भी कुछ हमें बात करनी है, और दूसरा सिस्टम की वैल्यू के बारे में भी बात करनी है कि किस तरीके से सिस्टम की वैल्यू बना के कैसे क्या चीज़ें करी जा रही है। तो इन तीनों टॉपिक पे हमें बात करनी है, तीनों टॉपिक के लिए हमने नोट्स बखूबी बनाया हुआ है और आप लोगों से हम एक एक करके शेयर करें। मैं यही चाहूंगा कि आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना, बहुत कुछ समझने और सोचने का आपको चीजें मिलेंगी। तो ध्यान रखें, और मैं फिर से अपना अपने बारे में बता दूं, दोबारा बता दें, कई सारे लोग नए लोग होंगे जानते नहीं हो, मैं बताऊं, मेरा नाम यशवंत यादव है और बेसिकली मैं रहने वाला गोरखपुर से हूं, लेकिन मैं 15 साल से करीब करीब मैं दिल्ली NCR में रहता था, यहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मैंने 2011 में MCA किया था, MCA करने के बाद मैं कंप्लीट किया, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। लास्ट मेरी जो डेजिग्नेशन थी वो प्रोजेक्ट मैनेजर था US की कंपनी में, और करीब करीब 7.5 साल मैंने जॉब कराया IT इंडस्ट्री में। एक अच्छा लेवल था, एक अच्छी चीज़ है, 10.5 लाख का पैकेज था, लेकिन उसके दौरान जॉब के दौरान ही जिंदगी में 2015 में मेरे करियर में नेटवर्क मार्केटिंग आया, और जिसको मैंने बखूबी स्टार्ट किया। और लास्ट जो मेरी एक्स कंपनी थी, आप सभी लोग जानते भी हैं, नहीं जिनको पता है वो लिंक पे देख लेंगे, लिंक पे आपको मिल जाएगा, मेरी जो आपके लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, तो बखूबी जान सकते हैं कि क्यों मैंने कंपनी को स्विच किया था। लास्ट में बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन लेवल से काम किया और शुरुआत किया। आगे बात करते हैं टॉपिक में, सवाल में जो पहली चीजें थी चैलेंजेस के बारे में, जो 3 महीने के जो मैं जब स्विच किया अपने एक्स कंपनी से नई कंपनी में, तो बहुत सारे सवाल लोगों ने उठाए कि इनका डिसीजन गलत है या सही है, हो सकता है। कई सारे लीडर आज भी हैं जो सोच नहीं पा रहे थे कि मतलब हम सर ने डिसीजन सही लिया था कि गलत लिया था, वो देख रहे थे कि हाँ सही या गलत है, कि हम डिसीजन लें कि ना लें, लेकिन उनके बारे में आज इसीलिए मैं प्रूफ लाइव आके देना चाह रहा था कि ताकि उन लोगों को भी एक मदद मिले और वो भी लोग इसके बारे में सोच सकें, इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और एक अच्छी तलाश उन लोग करें, जो एक जो लोग फंसे हुए काम नहीं कर पा रहे हैं, जो इनकम नहीं आ पा रही है, वो लोग भी अपने बारे में सोचें और एक अच्छी दिशा दिया जाए इंडस्ट्री को। थैंक यू सो मच। मैं बात करता हूँ आपसे, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ तो 12 अक्टूबर को मेरी जो शुरुआत हुई थी, मैंने अपनी ID लगाई थी नई कंपनी के अंदर, 12 अक्टूबर को लगाई थी आईडी, और आईडी लगाने के बाद मैंने फिर से डिसीजन लिया। फिर से मैं उस समय रांची झारखंड में रहता था, वहां से सिस्टम चलाता था, दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद में मैंने फिर डिसीजन लिया 19 अक्टूबर के, अपने कोर लीडर के साथ में मीटिंग करी, जिसका कोर लीडर मैं बात करूँ तो 3 लोग थे मेरे टीम के साथ में, मैं चौथा लीडर मैं था, राम जी, राम प्रवेश शर्मा जी हैं, और प्रदीप सागर जी हैं, और दीपक वर्मा जी हैं, ये 3 लोग थे और चौथा मैं था, जिन कोरिलेटर के साथ में मैंने मीटिंग करा। और मीटिंग करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, यस, उनको भी मौका दिया कि आप भी सोचिए समझिए, और सही लगता है तो फिर डिसीजन लेते हैं। कैरियर की बात है, कैरियर से कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि कैरियर जिंदगी में अपने जिंदगी तो है ही है, लेकिन अपने जिंदगी के साथ लाखों लोगों की जिंदगी लग रही है, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी तक कोई बातें सीमित रह जाती तो चलता है, लेकिन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके चलते अगर किसी का दिल दुख रहा है या किसी का करियर खराब हो जाए तो ये नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा आघात होती है किसी भी चीज को लेकर। मैं बात उसी चीज को मैंने इनको मौका भी दिया, फिर हमारी टीम ने हमारा साथ दिया। अब मैं बात करूं तो 3 हमारे जाबाज लीडर हैं, बहुत ही मतलब शानदार, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और आज मैं बात करूं तो उन्हीं के बदौलत हमने शुरुआत किया। 28 तारीख को अपने 3 लोगों ने, 4 लोगों ने ID ग्रीन करवाई,
और फिर मात्र दो दिन का समय बचा हुआ था, दो दिन में ही हमने अपनी कम से कम एक पॉइंट मैच किया कंपनी के अकॉर्डिंग। एक पॉइंट मैच करने से हमने पहला जो मैं बात करूं तो पहला जो चेक मेरा बना था अक्टूबर मंथ का जो चेक था 252 रुपए का था। इसका एविडेंस आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, आप देख सक पाएंगे कि ये पहले महीने का जो चेक मेरा था 252 रुपए का था। दूसरा महीना बहुत सारे चैलेंजेज आए, मतलब इतनी सारे चीजें जब अपलाइन को पता चला, जो टॉप लीडर को पता चला, तो बहुत सारे चैलेंजेज उनके साथ में मेरे कॉल्स पे धमकियां देना, या बहुत सारे एविडेंस हमारे पास में है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से धमकियां दी भी गई कि अगर टीम को टच करा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि अगर मेरा डिसीजन सही है, मैं पहले दिन भी बोला था कि अगर डिसीजन सही है तो आपको लोग साथ देंगे, अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपको लोग साथ देंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। एक इंसान साथ दे या ना दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उसके दौरान कई सारे डिस्टर्बेंस भी हो, लेकिन फिर भी हमने काम करा उस महीने के अंदर, और नवंबर में काम करके हमने जो चेक जो मिला हमें, और 2636 रुपए का चेक बना। बहुत सारे चैलेंजेस उसके बीच में आए, टीम को काफी तोड़ने की कोशिश करी गई, मैं आपसे बात करता हूँ उसी के दौरान में टीम को ऐसी ऐसी लालच दी कि हमने एक टॉप लीडर थे, उन्होंने कॉल किया कि अगर आप टीम को टच करोगे तो मैं मतलब समझिए खत्म करवा दूंगा। अब वर्ड नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, है ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास में, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन उस चीज से मैंने डरा नहीं, मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, काम करते काम करके दिखाएंगे, और बातों से जवाब नहीं देंगे, काम से जवाब देंगे, और आज वो मौका है जवाब देने के लिए, इसीलिए मैं लाइव आया भी हूँ। और उनसे काम करा, काम करने के बाद में टीम को भी बहुत सारा तोड़ने की कोशिश, जो टीम हमारे साथ में आ चुकी थी उनको भी तोड़ने की कोशिश, उनको लालच दिया गया कि आ जाओ आपको टॉप आईडी दे देते हैं, आपको डायमंड वाली आईडी दे देंगे, रूबी वाली आईडी दे देंगे। हमारी एविडेंस भी है हमारे पास में कि बातें ही नहीं करी गई, आईडी ट्रांसफर भी करी गई। आप सोचिए जो एक्स कंपनी में बात करता हूं, जो आईडी मेरी आईडी थी SSSRBCT555, आप कंपनी में फोन करके पता कर सकते हैं, वो मेरे नाम से आईडी थी, वो आईडी ट्रांसफर हो गई है किसी और के नाम से, एक फला लेडीज यादव करके हैं, उनके नाम से आईडी ट्रांसफर हो गई है और उस पर वो काम कर रही हैं। इस तरह से और भी लीडरों को लालच दिया गया कि आप मत जाओ उनके साथ में, और आपको भी हम एक आईडी दिलवा देंगे, हम कहे अच्छी बात है, आप अगर आप लोग खुश हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जहां पे हम प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन लीडर हमारे बहुत ही जाबाज और बहुत ही कर्मठ हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम गुरुजी करके दिखाएंगे, और आज बेहतरीन लेवल पे करके दिखा, वो भी चेक कमा रहे हैं। उसके बाद से मैं आपसे बात करता हूं, तीन महीने करीब करीब दशक के दौरान में, इसके अलावा आपसे मैं बात करूं तो चौथा तीसरा महीना आ गया, तीसरा महीने में जो चेक मेरा बना 6765 रुपए का बना, ये भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और फिर से मेरी मैं बात करूं तो बहुत सारा ये चीजें देखने के बाद मेरे को एक ही बात समझ में आई कि कंपनी से भी मैंने बात करी थी कि भाई ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, आपके पास में कोई रूल रेगुलेशन है कि नहीं, कि लीडर ड्रिवन सिर्फ कंपनी बनकर रह गई है, कि लीडर जैसा बोलता है, टॉप लीडर जैसा बोलता है वैसा ही लीडर कंपनी कर देती है, डायरेक्टर के कोई रूल नहीं है ना कोई चीजें। आप देखिए नाम ट्रांसफर कर देना कितनी बड़ी चीजें बात है, किसी का भी नाम ट्रांसफर हो जाता है, किसी के लेग किसी के लेग में ले आकर शिफ्ट करी जाती है। अभी मैं बात करूं तो अभी मैं इसके अलावा मैं सोचता था कि ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मैं ऐसा फील करता था कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है क्या 4 साल के अंदर, लेकिन नहीं। मैंने जब वीडियो बना के डाला, जब बिफोर 3 मंथ पहले मैंने वीडियो जब बना के डाली थी, बहुत सारे लोगों को मेरे पास में कॉल आए, मेरे को तब अंदाजा लगा कि नहीं यार, मैं ही नहीं अकेले हूं जो मैं परेशान हूं, हमारे जैसे लोग लाखों आदमी हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, सवाल पूछते थे, मैं काफी उन लोगों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करा, जवाब भी दिया, मैं इसलिए छोड़ा। और दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूं, उसमें से कुछ चुनिंदे लीडर भी हैं हमारे साथ में, अगर मैं बताऊं, जिन्होंने मेरी बातों को समझ के, चाहे उन्होंने बुलाए, खुद सामने से बुलाए मेरे को, आप आइए थोड़ा बैठ के बात करते हैं, क्या डिसीजन लिया आपने, क्या हुआ, आप तो इतने मेहनत से काम करते थे, डेडिकेशन से 10.5 लाख का पैकेज छोड़ के आपने काम करते थे, लेकिन आपके साथ में ऐसा क्या हुआ, आपको तो डायमंड बनना चाहिए। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर चीजें हैं, मैं बात करूं, सबसे पहले मेरे साथ में जो डिसीजन लिए पंकज सारसों सर ने लिया, एक्स कंपनी में वो एमराल्ड लेवल पे थे। उसके बाद फिर से मेरे साथ में अमित कुमार, मिस्टर अमित कुमार सिंह सर हैं, जिन्होंने मैं आपसे बात करूं, वो भी एक्स कंपनी में बिकमिंग डायमंड लीडर थे, बहुत अच्छी खासी टीम थी, बहुत मेहनती थे, BSF से उन्होंने मतलब रनिंग जॉब को छोड़ा उन्होंने उस बिजनेस के लिए,
2012 में छोड़ा था, 7 साल के बाद में उनका भी करियर बिल्कुल अंत तक दिखाई दे रहा था। ऐसा लोग बोलते हैं मेहनत नहीं करते, अरे यार आप सोचिए कि 12 साल नौकरी करने के बाद में, 100 गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद में इंसान फुल टाइम काम करे तो मेहनत नहीं करेगा, उसके करियर की चिंता नहीं है। लेकिन नहीं, जब सिस्टम करने देगा और कंपनी उस लेवल पे देगी चीजें तब तो वो कर पाएगा। दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूँ, एक और लेडी है बहुत ही दमदार, बहुत ही खुददार, बैंगलोर से, सुमित्रा, मिस्टर सुमित्रा यादव करके हैं, मैडम हैं, और ये भी बिकमिंग डायमंड लीडर थी एक्स कंपनी में। इन्होंने भी मतलब बहुत ही खुददार तरीके से, एक लेडीज होने के बावजूद इतने बड़े लेवल पे इन्होंने काम करा है, सोचने लायक है। मैं जाके दंग रह गया, उनके बेंगलोर जाके मैं देखा हूँ अभी। उनके साथ में एक और पर्सन है जो बिकमिंग डायमंड लीडर, वो भी है मिस्टर नागराज सर हैं। इन्होंने भी मतलब 15,000 के प्लस का टीम है इनकी, लेकिन इनका भी सर्वाइवल लाइफ बिल्कुल जीरो है। आप सोच सकते हैं इतने बड़े लेवल पे भी इंसान अगर सर्वाइव नहीं कर रहा तो इसके पीछे उसकी मेहनत नहीं है। ऐसा नहीं कि मेहनत की कमी है, टीम बनने के बाद में टीम रुकी नहीं, क्यों नहीं रुकी इसका सोल्यूशन आप ढूंढिए। दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूँ, मिस्टर सुभाष गौड़ा सर हैं, ये भी बिकमिंग डायमंड लीडर हैं, ये भी बैंगलोर से हैं, नागराज सर भी बैंगलोर से, सुमित्रा मैडम भी बैंगलोर से हैं। आप सोच के देखिए कि इतने बड़े बड़े लीडर, इतने बड़े बड़े पोजीशन पे जाने के बाद भी अगर वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं तो इसका पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ इंसान थोड़े ना हो सकता है, कारण उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप वीडियो में मेरा सर्च कर दिए, मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है, आप उनसे बात करके दे सकते, मैं नंबर भी दे सकता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई उनके साथ में, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप देखिए बेंगलोर में और भी मेरे साथ में चैलेंजेस आए। अभी रिसेंट में पिछले मंथ में हम बेंगलोर गए थे, बेंगलोर में इतनी बड़ी चैलेंजेस आई जिसको मतलब क्रॉस करना था, लेकिन हिम्मत था बहुत, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था, तभी लिया था कि नहीं कुछ करना है, जिंदगी अपने लिए ही नहीं सही और लोगों के लिए भी करना है, ठीक है ना। मैं बेंगलोर में जब गया तो मेरे साथ भी एक अजीबोगरीब घटना घटा वहां पे। मैं गया वहां पे बात करें सुमित्रा मैडम के, मैं घर पे ही रुका था और वहां पे मतलब बहुत सारे चीजें प्लानिंग शुरुआत हुई, वहां पे बहुत सारे लीडर भी आए, लेकिन वहीं पे एक टॉप लीडर के माध्यम से कुछ लोग थे जो 8-10 लोगों को उन्होंने भेज दिया और मेरा लैपटॉप और मोबाइल छीनने के लिए। वहां पे घर पे आ गए और भूल गए कि मतलब क्या कर रहे हैं, है ना। और आए बात किए, बात करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम वहां पे डर गए, चाहे वो चीजें था कि भाई चलो घर पे आए हो कोई बात नहीं बात करते हैं, लेकिन उनका मकसद ही कुछ और था, कुछ और सिखा पढ़ा के भेजा गया था और उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया था। लैपटॉप तो खैर नहीं ले पाए थे, लैपटॉप था नहीं वहाँ पे, और मोबाइल ले लिया, उसके बाद से लेके चले गए। मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं लेके जाओ। मैडम ने भी बहुत कहा कि ये गलत कर रहे हो आप, किसी घर में आके ऐसा कर रहे हो आप लोग, लेकिन वो सुने नहीं, उनको समझ में नहीं आई बातें, वो तैश में थे। पूरा पूरा सिखा पढ़ा के भेजा गया था उनको, बाद में पता भी चला कि किसने भेजा था, नाम भी पता चला हमें, लेकिन नाम ओपन नहीं करना नहीं चाहेंगे, हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को हर्ट करना। लेकिन मैं बात करता हूँ उसी दिन मेरा जो जिद था वो और बढ़ गया और जो मेरी कमिटमेंट है वो और तगड़ा हो गई, चार गुने बढ़ गई, और कि चलो यार बेहतरीन आप लोगों ने किया। और उसके बाद से मोबाइल ले गए तो 3 दिन मैं कंप्लेन उसी समय सुमित्रा मैडम को ले आके वहाँ पे नज़दीकी पुलिस स्टेशन, आज भी कंप्लेंट मेरे पास में, स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा आप देख लेना, उसमें लिखा भी गया कंप्लेन हुआ। 3 दिन के बाद में वो बंदा फरार हो गया वहां से और पुलिस फोन करते रहेगी, वो रिटर्न आके दिया ना, वो समझता था कि ऐसे ही बाहर से कोई फोन कर रहा है, कंप्लेन ये लोग किए नहीं है। 3 दिन बाद में पुलिस ने बोली, मैंने बोला कि सर इसका कोई सोल्यूशन करिए, मेरी फ्लाइट डिले हो रही है। और फिर मैंने उन्होंने कहा कि चलो आज नहीं आता है तो उसको खींच के लाएंगे आज, अगर आज नहीं आता। उन्होंने तीसरा दिन वो बंदा समझा, और वो नाम भी उनका बता देता हूँ, हरियाणा के रहने वाले हैं, बेंगलोर में काम करते हैं, जानते भी होंगे, उनका नंबर भी ड्रॉप कर देंगे, इस बात को पूछ सकते हैं उनसे, उनका नंबर है मेरे पास में। दूसरी बात मैं आती हूँ, उस बंदे ने तीसरे दिन मोबाइल ला के वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आया, फिर उनके साथ में एक बिजनेस लीडर के लीडर भी आए थे, बिजनेस लेवल के, मैंने साथ में बात भी करा और SP ने बहुत फटकार लगाई उनको, और उन्होंने बोला कि अगर दोबारा ऐसा कांड किया तो नंगा करके मारेंगे। और ये चीज़ें हुआ उनके साथ में, और प्लस ये भी है कि उन्होंने लिखित में दिया भी कि अगर दोबारा इनके साथ में कोई भी गलती होती है तो उसका जिम्मेदार तुम होगे, लिखित में दिया हुआ, स्क्रीन पे डाल देंगे, चेक कर लेना आप लोग, देख लेना। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब संगीन घटना थी मेरे लिए, कुछ भी हो सकता था, अगर मैं बाहर रहता तो शायद वो मार भी सकते थे, शायद कुछ भी हो सकता था, मेरे को उससे वो मतलब नहीं है, लेकिन ईश्वर है, मैं तो भरोसा ऊपर वाले पे करता हूँ, अगर वो सही है और मैं अगर किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ तो किसी का हिम्मत नहीं है कि टच कर दे,
मेरे को ये विश्वास है। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने जो बढ़ावा उनके अंदर आया, वहां पे प्रशासन के साथ में पूछा गया मेरे से और मैडम से पूछा गया कि आप इनको क्या करना चाह रहे हैं, इनको जेल भेजवाएं हम क्या करना, या छोड़ दें, समझौता करा दें, आपके ऊपर है, क्योंकि एविडेंस बहुत तगड़ा था। इन्होंने घर से मोबाइल लेके गए थे, छीन के लेके गए थे 10 लोग। तो हमने कहा कि नहीं, हमें मार्केट में रहना है, नेटवर्किंग करनी है, बिजनेस करना है, हमें किसी से कोई झगड़ा मोल नहीं लेना है। लेकिन उसी समय हमने कहा कि आप ऐसा करें, इनको समझा दीजिए कम से कम ये गलतियां ना करें, ऐसा किसी के साथ में भी नेटवर्किंग कर रहे हैं नेटवर्किंग करें, लॉजिक देना कोई खिलाफत का काम नहीं है। किसी के कंपनी को अगर वो गलत कर रहा है तो उसको उछालना, चाहे किसी भी कोई भी कंपनी हो, अगर गलत करेगी तो उसके खिलाफ अब आवाजें उठेंगी। अब लोग इतना बुर्बक नहीं रह गए हैं, हम इतने नहीं कि आप दिमाग मत लगाओ, ऐसा बोल बोल के इंसान दिमाग ही नहीं लगाता है, ऐसा आप लोग नहीं रह गए। यहाँ पे हर कोई समझदार हो गया है, आज के डेट में हर कोई सोशली एक्टिव है, हर कोई समझता है इस चीज को। डायरेक्ट सेलिंग को आज 27 साल हो गए, बच्चा भी आज के डेट में समझता है डायरेक्ट सेलिंग मतलब होता क्या है। और उस चीज में आज कोई अगर घपला करके सोचे कि हम बैठ के कमा लेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये भूल में है, एक दिन सफाया हो जाएगा, पता नहीं भी चलेगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये चीजें हरकतें, अगर ये टीम में मेरे को अभी सुनने में आया, बताया जा रहा था कि मेरे टीम से भी बताया जा रहा था, अदर टीम अपने में भी प्रमोशन करी जा रही है कि इनको 3 दिन जेल में रखे गए थे बेंगलोर में। करारा जवाब उनके लिए, आके कान खोल के दोगे, साला दोबारा गए थे बेंगलोर में, अब फंक्शन करके आए हैं 250 लोगों के। अगर अभी भी दिमाग नहीं खुला ना तो खोल के रखना। दूसरी बात ये भी है कि मैं आपसे बता दूं, एक और मैं वहां पे गया, तो वहां पे जाने के बाद ये भी हमने देखा, हर बंदे के पास किसी जाते थे, ऑलरेडी मेरा इमेज पहुंचा हुआ था, मेरा फोटो लगा के, एक भेड़िया का फोटो लगा के मैसेज कुछ लिखा गया था कि भेड़िया है, भगौड़ा है। मैंने कहा कि ठीक है भाई, देख सामने आ गया हूँ, भगौड़ा हूँ कि यशवंत यादव, ये पहचान लो और किस चीज से भगौड़ा है, क्या चीज है देख लो। आज भी कंपनी हमें टर्मिनेट नहीं करी, कंपनी को हमने छोड़ा है, ऐसे हजारों लोगों ने छोड़ा है। अगर करना है लड़ना है ना तो लाखों लोग हैं आज लड़ने वाले कंपनी से। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँ, क्यों ऐसा हो रहा है इस पर सोचने विचारने की जरूरत है। अगर लड़ाई ही करना है ना तो मैनेजमेंट से लड़ाई करो, डायरेक्टर से लड़ाई करो कि थोड़ा सा सही रूल रेगुलेशन और सही प्रोडक्ट पे काम करें और सही कंसेप्ट पे काम करें। लड़ाई करना है तो उनसे आप करें, टीम को बचाना है तो उनसे बचाएं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, आज मैं आपसे बात करता हूं कि आज ऐसा स्थिति नहीं है कि बंद कमरे में हम ये कसमें दिलवाएंगे कि कंपनी हमारी माँ है बाप है, इमोशन से अटैच कर देंगे लीडर को और फिर उसको रोक के रखेंगे। वो जमाना चला गया, आज कोई इमोशन से अटैचमेंट होने वाला नहीं है, हर कोई बिजनेस समझता है इस चीज को, बिजनेस करता है, अब बिजनेस की बातें करता है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बल्क बैन के खिलाफ मेरे को बात करनी थी, क्योंकि बल्क बैन इतनी बड़े लेवल पे, मैं आज 2016 में सबसे पहली बार रिटेल लॉन्च हुआ कंपनी में, उसके पहले बाइनरी पे काम करते थे, पैकेजिंग सिस्टम पे काम करते थे, पैकेज डिस्ट्रीब्यूट होता था, इतने पैसे में इतने पैकेज, इतने पैसे में ये प्रोडक्ट। अभी बाइनरी कंसेप्ट आया पहली बार 2016 में, मैं था उस समय, आप ऑलरेडी यूट्यूब पे चेक कर लेना, मैंने भी 46वां रैंक अचीव करी थी रिटेल में। दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूं कि सबसे बड़ी जो बल्क बाइन करी गई कोहिनूर दिखा के, 7 लाख के कैपिंग दिखा के, कोहिनूर दिखा के इतनी बड़ी बल्क बाइंग करी गई, ऑलरेडी उसमें मेरी टीम इतनी हरास हुई, एक एक बंदे 80-80 हजार 90-90 हजार का बल्क बाइंग नोनी और एलवेरा जूस लोगों ने खरीदा, लेडीज का एक सिरप भी आता था वो भी लोगों ने खरीदा। अब वो बिक न पाने के कारण कई सारे लोगों का इतने बड़ा नुकसान हुआ, इतनी बड़ी टीम हमने नुकसान करी, लोगों ने काम बैठ गए जिन्होंने बल्क बाइंग करी, जिन्होंने भी उस समय खरीदा, वो उस समय इतनी बड़ी कमिटमेंट दी जाती थी माँ बाप की कि आप सोच नहीं सकते थे। टॉप लीडर भी आके डाउन पे कमिटमेंट लेता था कि अपनी कसम खाओ कि हम इतनी की हम परचेजिंग करवाएंगे। इसके कारण सबसे बड़ा भुगतान ये रहा कि टीम बैठ गई पूरे के पूरे तरह से। जो भी बंदा बल्क बाइंग कराए, एक एग्जांपल हमारे पास में कहेंगे तो बात भी मैं करवा दूंगा, मेरे से कॉल कर लेना, बात करवा दूंगा। विकास त्रिपाठी करके एक बंदा है, हमारे साथ में काम करते थे, वो HDFC में वो बैंक में काम करते थे, हमारे साथ में शुरुआत करे थे, उन्होंने 90 हजार के आसपास बल्क बाइंग कर दी, जिसके चलते फैमिली में उनका क्राइसिस आना स्टार्ट हो गया और प्रोडक्ट घर पर रहना सेल नहीं हो पाया, जिसके चलते वो डिप्रेशन में भी चले गए, बिजनेस भी छोड़ना पड़ा उनको। और उन्होंने आश्रम में जाके सारे नोनी और सारे एलोवेरा दिए थे फ्री में, 90 हजार के नोनी और एलोवेरा,
कंपनी के बाद रिटर्न करने के लिए कंपनी ने रिटर्न नहीं करी थी, उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट भी कंपनी ने नहीं दिया था, ये भी उनके साथ में कंपनी से ले जाकर फिर रिटर्न लेके आ गए थे। तो ये सारी चीजें है, वह कहने के ये बैल्क बैन का बहुत बड़ा मतलब चीजें चल रही है, वो बिल्कुल अनएथिकल काम है जो बल्क बैन करना है। ऑटो ऑपरेटर इस पे बोलता है ये एथिकल काम है, वो अपने सिर्फ चेक के लिए अपने 4 लाख। दूसरी चीज है 2019 में मैं बात करता हूँ, फिर से एक बार को बल्क बैन का बहुत तगड़ा तरीके से क्रेज आया जब भगवद गीता संपूर्ण हनुमान आया। भगवद गीता संपूर्ण हनुमान का पहली बार जब लॉन्च हुआ, आप अगर देखें तो बहुत एक ग्रेट पर्सनैलिटी के माध्यम से वो लॉन्च कराया गया और उसके चलते बड़ा मिसयूज कराया गया। आज देखिए, मैं उसको जब भी मैं पहली बार भगवद गीता लिया, मेरे से भी खरीदवाई गई, ऐसी बात नहीं है। मैंने रांची में प्रमोशन गया, एक बंदे के पास में गया, वो मतलब साधु थे, महात्मा है वो, एक उसमें मेरे को बताया भी गया था और इन लोगों प्रमोशन किया, वो लोग बताएंगे तो आध्यात्मिक से जुड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो जाएगी। कहीं ना कहीं एक ग्रंथ को भी मतलब बिजनेस बना दिया गया। आप देखिए उसको ले आके कैसे भी सिचुएशन में है इंसान, उसने बोला कि सर आप ही बताओ आप कब करना है, मैं क्या सुबह करना है 5 बजे का, आप अभी कितने बार वॉशरूम गए होंगे, गए हैं वॉशरूम, फिर भी आप भगवद गीता का टच कर रहे हो, आप पता है आप कितना बड़ा काम गलत काम कर रहे हो, ये भगवद गीता को कहां पर रखा जाता है आपको पता है? और मेरे होश उड़ गया। अब वो ऐसे बंदे के साथ में मैंने चीजें सामने आया कि उसके बाद मैंने भगवद गीता को फील्ड में ले जाना बंद कर दिया। मैं वीडियो दिखा के प्रमोशन कर लेता था लेकिन कभी भी भगवद गीता को लेकर फील्ड में नहीं गया, वीडियो दिखा देता था उसके बदले में प्रमोशन में, लेकिन कभी भगवद गीता को फील्ड में नहीं ले गया। क्योंकि जो बातें उन्होंने बताई, जो पंडित जी ने बताई, वो बहुत ही मतलब संगीन थी। ऐसा नहीं, उन्होंने बताया कि ग्रंथ का मतलब समझिए, ये बिजनेस नहीं है कोई, इससे आप बिजनेस कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, जानकारी देना वो अलग बात है लेकिन उस पर बिजनेस करना वो गलत बात है। ये भी कहने के बहुत तेजी से उस पर बल्क बैन, आज मैं बात करता हूं आफ्टर लॉकडाउन, आप देख लीजिए सबसे ज्यादा बल्क बैन अगर किसी चीज के हुई है तो भगवद गीता और संपूर्ण हनुमान की हुई, आप चेक कर लीजिए। एक एक बंदे ऐसे भी है ना सामने मेरे पास में, बोला कि सर मैंने 50,000 का, मैं बैंगलोर में भी गया था, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख लोगों का 70-80-50 इस तरीके के लोगों ने बल्क बैन करी है। अब उसे सिर्फ किस लिए? टॉप लीडर की 4 लाख का चेक के लिए, कि हमारे 4 लाख का चेक बन जाए, उसको हम दिखाएं फील्ड में। ड्रीम ड्रिवन पूरे तरह से चीजें चल रही। दूसरी बात यह भी यहां पे है कि यहां पे ड्रीम इतनी ड्रीम प्रोडक्ट को पहले नहीं रखा जाता, यहां ड्रीम को पहले रखी जाती है। कार वर्सेस मैं बात करता हूं, हमारे डीके सर सही बोलते हैं कि नेसेसरी में प्रायोरिटी में बहुत अंतर होता है। नेसेसरी अलग चीज है, प्रायोरिटी अलग चीज हो सकती है। कार नेसेसरी नहीं है, प्रायोरिटी हो सकती है आपकी। घर आपका नेसेसरी है, घर प्रायोरिटी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो हमारे डीके सर बोलते हैं कि पहले आप घर लें, पहले अपने बच्चों के इंश्योरेंस करवाएं, जो जरूरी चीजें पहले वो करें, आप दिखावा ना करें। ये मेरे को स्टार्टिंग से ही टच करता है, स्टार्टिंग से मैं इसी विजन के साथ काम करता हूं और आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और दुनिया भर की मैं बात करता हूं, आज टीम में आपसे आज देखिए कितने बड़े लेवल पे आज जो प्रमोशन करी गई आफ्टर लॉकडाउन। आफ्टर लॉकडाउन हर किसी का जेबें खाली थी, उस समय सबसे ज्यादा अगर एक्स कंपनी में अगर कारें निकली हैं तो आफ्टर लॉकडाउन निकली हैं, सब प्रीमियम रेंज के कारें निकली हैं। ऐसा नहीं कि इनकम कमा लिए निकल गई, ऐसा इसलिए कि ड्रीम ड्रिवन चीजें बना दी गई, मजबूर बना दिया गया लीडर को कि आपको करना ही पड़ेगा नहीं तो आपका EMI नहीं जाएगी। हर लीडर का आप देखिए जिसके पास में भी जाके कारें हैं वो कितनी परेशान है। कई सारे लोगों को तो मैं नाम बताना नहीं चाहता हूं जिनकी EMI दूसरे के भरोसे जा रही है, परेशान है वो, पैसे मांग मांग के परेशान है। आप ऐसे सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन लेते हैं आप देखें कि क्या हद तक सही है क्या गलत है, सोच सकते हैं समझ सकते हैं। मैं बात करूं एक चीज और भी सबसे बड़ी, अच्छा इस चीज ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात है ना, इस लोग लीडर हो या ऐसे सिचुएशन में वो लीडर या वो लोग मारे जा रहे हैं जो ज्यादातर ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो ज्यादा लोग फॉलोअर हैं, मतलब फॉलो करते हैं, एक मतलब लीडर को फॉलो करते हैं। अब वो लीडर उनको प्रेस करता है, वो कर देते हैं वो काम को, ज्यादातर वो भी लोग फॉलो मारे गए इस चीज में। बहुत सारे लोग ऐसे भी एग्जांपल अभी सामने आया है कि जो लोग मतलब ज्यादा ग्रेटिट्यूड वाले लोग हैं, जो बहुत आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं अपना, और उसको भी ख्याल नहीं रखा जाता है, उसको भी बल्क बैन में लपेट दिया जाता है अपने चेक के चक्कर। आप जितनी भी बड़ी, आप कितना बड़ा चेक बना लो, वो चेक कंटिन्यू और नहीं है ना तो कोई भी मोटिवेशन नहीं है। आप एक बार को चेक दिखा के कितना मोटिवेट कर सकते हो?
अरे एक बार बल्क बैन भगवत गीता करा सकते हैं हम, कितनी बार भगवत गीता को बल्क बैन करा सकते हैं? जब तक सही डायरेक्ट सेलिंग नहीं आएगी, सही प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, सही प्राइस नहीं रहेंगे, आपका चेक नहीं बढ़ने वाला, ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूं, अभी अभी एक वक्त की बात है, अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में आपसे सबसे बड़ी बात है कि एक चीजें चल गई है जो मैं देख रहा था। आज के डेट में एक ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा निर्देश देने का बहुत जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी और कंपनी के लिए भी। दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा था कि अभी भी वक्त है लोगों को सही दिशा निर्देश देने की, सही जगह दिखाने की। मैं आपसे बात करता हूँ, 27 साल हो गया इंडस्ट्री को, लेकिन 27 साल के अंदर भी अभी भी इंसान, कई सारी कंपनियां हैं जो ट्रेडिंग बेस्ड काम कर रही हैं। ट्रेडिंग मतलब ये कि R&D किसी और का, मैन्युफैक्चरिंग किसी और का, मार्केटिंग सिर्फ हम कर रहे हैं। इस सिचुएशन में कभी भी आप प्राइस को सही नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने R&D लगाया है, जिसने साइंटिस्ट बैठा है, जिसने डॉक्टर बैठा है, वो भाई आपको कैसे एग्जैक्ट प्राइस में देगा? वो भी तो कुछ कमाएगा। यही रीजन है कि प्रोडक्ट का प्राइस अच्छे अच्छे कंपनी का सही ना होना, क्योंकि उनके पास में ना तो R&D सेंटर है, ना मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट है, ना ही उनका खुद का कोई विजन है, ना ही मिशन है, नियत ही सही नहीं है। लोगों को एक अच्छा रोजगार देने की, लोगों को एक अच्छा सपोर्ट करने की नियत ही सही नहीं है। नियत पहचान पहले दिन से ही आ जाती है, अगर आपके प्रोडक्ट से, आपका प्रोडक्ट कैसा है उसी से ही नियत के बारे में पता चल जाती है, कंपनी का नियत क्या है, क्या करने वाली है। वो जमाना चला गया जो हम बहकावे में बात करते थे और ये बोलते थे कि हाँ प्रोडक्ट को हम तो बिजनेस करने आए हैं, प्रोडक्ट बेचने थोड़ा ना आए हैं। भाई साहब, प्रोडक्ट ही तो बिजनेस है और क्या है। सीधा सीधा समझाएं लोगों को और सीधा सीधा बात करें। अब आज मौका है, जमाना है, आज समय आ गया है कि इंडस्ट्री को बदला जाए, इंडस्ट्री को दिशा निर्देश सही दिया जाए, सही गाइडेंस दिया जाए। आज मैं बात करता हूं, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अगर लोगों को जागरूक नहीं करें तो बहुत सारे लोग हैं जो इससे अपनी लाइफ भी स्पॉइल करते हैं। मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए नहीं। कंपनी ना तो माँ बाप हो सकती है, ना ही सिस्टम आपका भगवान हो सकता है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। कंपनी एक आपका जीविका चलाने वाली पद्धति हो सकती है, एक माध्यम हो सकता है आपके जीवन को चलाने के लिए। कंपनी कभी फादर नहीं हो सकता, मदर नहीं हो सकते। जो ये फेक कमिटमेंट देते हैं, फेक करते हैं, वो उसको इमोशन से कनेक्ट कर देते हैं। इमोशन कनेक्ट करने से एक फायदा उनका हो जाता है कि वो जो बोलते हैं वो कर देते हैं लोग। इसीलिए वो लोग इमोशन से कनेक्ट करते हैं, कंपनी हमारा बाप, कंपनी हमारा माँ, जय हो भारत। दूसरी बात मैं बात करता हूं, आज सही दिशा निर्देश देने की जरूरत है लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लीडर्स के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, कस्टमर के बारे में। सबसे बड़ी बात यह भी है कि देश के लिए भी ये चीजें करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं। आज भी मैं आपसे बात करता हूं, आज भी अब अलग तरीके का गेम स्टार्ट हो गया है कंपटीशन के दौर में। अब प्रोडक्ट बेसिस में भी डबल स्टैंडर्ड कंपनियां आ गई कि मैं भी अब तो आपसे सस्ता दे रहा हूं, कंपटीशन कर रहे हैं, मैं भी आपके जैसे प्लान कर रहा हूं। सर, प्लान देने से, सस्ता देने से बात नहीं बन रही। आपके पास में वो चीजें देने से आप किस पद्धति पे काम कर रहे हैं, R&D बेस पे काम कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे बात करता हूं, एक चीज से पता चल जाती है। मैं KSM यूज करता हूं, ओके लाइफ केयर का KSM यूज करता था 66, जो कि मैं बात करता हूं, इसमें फायदा है, एंटी स्ट्रेस का, फिजिकली परफॉर्मेंस एनहांस करता है, इंप्रूव विटिलिटी एंड फंक्शनलिटी की इंप्रूव करता है। इतनी बड़ी रिजल्ट है इसका, आप मेरी पहले वीडियो में आप मेरे को देख लेना और इस वीडियो में देखना, आपको अंतर आप ही को समझ में आ जाएगा। लेकिन आज कंपनी की हाई टेक्नोलॉजी, कंपनी का R&D की वजह से आपको ये टेबलेट फॉर्म में आज सप्लीमेंट्री नहीं लेना है। आज के डेट में हमारे पास में एक हनी आ गया है, जो हनी के साथ में अगर आप इसमें देखें तो KSM 66 मिला हुआ ऑलरेडी आएगा। यानी कि आपको अलग से KSM खाने की जरूरत नहीं है, आप हनी खाएंगे, KSM खा लेंगे आप। ये है हाई टेक्नोलॉजी, ये है R&D का कमाल, ये है अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन। आज किसी भी कंपनी में, किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट की बात करता हूं, कोई भी एक ऐसा ट्रेडिशनल कंपनी नहीं है जो हनी के साथ में ये कंपोजिशन दिया हो, ये R&D के दम पे निकाली गई है प्रोडक्ट। दूसरी बात, एक और प्रोडक्ट आप देखिए, मैं आपसे बात करता हूं अभी, आप ओके वास देखिए। ओके वास 10 रुपए में आता है हमारे पास में। आपको किसी को ना क्वालिटी चेक करना हो तो ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि उसको 10,000 रुपए खर्च करके क्वालिटी चेक करेंगे फिर हम ज्वाइन करेंगे।
फ्री, मतलब यहाँ पे आके 10 रुपए के ये सर्फ भी ले आके चेक कर सकता है कि इस कंपनी का वो क्लाइव करके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, अब वो डिसीजन ले सकता है। मैं बहुत सारे बातें चीट करने, आप वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, और मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है सिस्टम को लेके है। सिस्टम में भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे झोल तोल है जो सिस्टम को भगवान रूप में देके आप उस सिस्टम से जो भी चीज हम चाहते हैं वो करवा लेते हैं। ये भी चीजें करी जा रही है इंडस्ट्री में, कई सारे कंपनियां कर रही हैं, हमारी एक्स कंपनी में बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत टाइम से हो रहा है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, वेट जरूर करना, और अगली बार जो भी हम बात करेंगे इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इंतजार करना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों से किसी को भी अगर आहत हुआ हो तो मैं दिल के गहराइयों से मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन सच्चाई क्या, सच्चाई सामने लोगों को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक चुप थे जब तक हमें जानकारी नहीं थी। आज हमें पता चल चुका है कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कर क्या रहे हैं लोग, किस तरीके से लाखों लोगों के बीच में एक बंदा सफल होकर अपने आप को जय जयकार कहलवाता है, जबकि ये बिजनेस केवल एक आदमी को सफलता होने की नहीं है। यहां पे 10 करोड़पति में आप जाइए, यूएस में 10 करोड़पति में सर्वे बताता है 10 करोड़पति में 7 करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग से आते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है, यानी कि परसेंटेज यहां ज्यादा होना चाहिए, तो अपने देश में परसेंटेज एकदम नॉर्मल क्यों है, एकदम कम क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है, आप ढूंढिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ढूंढेंगे तो आप जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी चीज़ अगर मेरे मुंह से अगर गलत निकली हो, किसी भी को हर्ट हुआ हो, तो दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, और मैं इतना जरूर चाहूँगा कि आप जरूर कोई भी चीज़ें अगर पूछना हो समझना हो तो मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम, जूम के माध्यम, किसी भी माध्यम से आपसे कनेक्ट हम हो सकते हैं, और प्रूफ देने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ें करने के लिए आपके साथ में हम तैयार हैं, और आप भी डिसीजन लें और डिसीजन लेके सही कंपनी का चुनाव करें और आगे बढ़े। थैंक यू सो